आई थिंक इन पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड सबसे पहला काम uh, मतलब एक अपने मुल्क को अपनी एक आइडेंटिटी भी तो बनानी होती बना है एक नया कंट्री बनाया उसको अपनी आइडेंटिटी बनानी है और जो डिनाइल ऑफ बींग इंडियन बिकेम द आइडेंटिटी एग्जैक्टली वॉट इज पाकिस्तान हाँ ये तो बहुत ही खास एपिसोड बन चुकी है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस की रात को हम लोग बैठे हुए थे वैसे ही फिर हमने सोचा ये तो बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं इसको रिकॉर्ड करना चाहिए दो लेजेंड्स मेरे सामने एक साहब जिनको शायद ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे इंडस्ट्री में तो सब लोग जानते थे एक बड़े हिडन सीक्रेट थे ये हम सब लोगों के फिर जब से वो पॉडकास्ट आई और वो वायरल हुई और आप लोगों ने बोला अरे भाई ये कौन लेजेंड आदमी है आमिर मुग़ल हमारे साथ हैं और संजय रजोड़ा भी अब तक हमारे साथ हैं किसी तारुफ के मोतज नहीं है ये वेलकम वेलकम संजय ये <laughs> बताएं कि <पाकिसान> <laughs> ये, <laughs> ये, 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 ये वहां पर तमाम मुसलमान जो हैं जितने भी मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं क्या वो सब अब्बा हजूर असलम अम्मीजान इस तरह बात करते हैं ये बड़ा मुझे पता है दुखती रग है पाकिस्तानी मुसलमानों की कोई नहीं करता ऐसे ऐसे कोई भी नहीं कोई करता भी नहीं करता जैसे जहाँ बात करते हैं वैसे जैसे इंसान बात करते हैं किसी को कोई घर पे गए आप किसी के घर जाओ तो आइए तशरीफ लाइए और हाँ आमिर भाई तो यही बोलते हैं जो आते हैं बोलते हैं तशरीफ लाइए है। हाँ तो वहाँ आप बैठ जाए अंदर आ रहा हूँ बिल्कुल मतलब नेचुरल मतलब ये अब जिस तरह की गुफ्तु को, मतलब हम लोग इस तरह गुफ्तु को नहीं करते वो जो फिल्मों में जिस तरह दिखाते हैं कि असल अम्मी जान कोई भी पूरा सलाम नहीं करता है हमें सलाकुम बल्कि बाज दफा तो गलत बोल देते हैं लेकिन हाँ वो तो आदाब आदाब वहाँ तो सलाम भी नहीं आदाब अम्मी जान आदाब आमिर भाई को पता होगा आदाब तो यूपी में ही यूपी और पे भी कोई नहीं करता, करता। मुस्लिम है तो ये फिल्मों में ही है वैसे आम जिंदगी में तो सब आपस में यार दोस्ती ऐसी बात करते हैं जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इंडिया में गैंग्स है

क्या किसी को यकीन नहीं आता क्या पढ़ा है मुझे यकीन नहीं आया था।, था मैंने ये पढ़ा लम्स ब्रुकलिन पता नहीं कहाँ कहाँ हम तो यार खुदाई कसम ऐसे ही पढ़े निकल गए प्राइवेट में पढ़ पढ़ा के फर्क हो गए आमिर भाई मेरे ख्याल से लाइब्रेरी में इतनी किताबें नहीं है जितनी आप पर्सनली पढ़ चुके हैं <laughs> तो आपके सामने तो सभी हम अनपढ़ लगेंगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है ऐसी आप ये बहुत पढ़े शो कर मैं असल में पता है क्या जिस एज में मैं था ना उस जमाने में इंटरनेट वगैरह तो था नहीं वी सी आर नया नया आया था एट्टीज़ में तो हज़ार का हमारा काम ही किताबें पढ़ना होता था या अखबार पढ़ना होता था अब जैसे मेरा और मतलब ये वजह है सिर्फ और कोई वजह नहीं है इसके अलावा ये खामा खाई आप लोग कॉम्प्लेक्स में अब ज़्यादा पढ़ा जाता है बच्चे अब ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि किताबें अब किंडल पर अवेलेबल है उस वक्त किंडल मंडल का तस्वीर ही नहीं था जी ये बताएं इसके पीछे क्या मिस्ट्री है कि जितने भी हिंदुस्तान में बड़े बड़े जो बड़े सुपरस्टार्स हैं वो सब के सब पाकिस्तान के ही हैं क्यों भेजे आपने रख लेते हैं बलराज साहनी <laughs> श्याम चड्डा कामनी कौशल <laughs> साधना सुनील दत्त मनोज कुमार कपूर फैमिली पूरी की पूरी फैसलाबाद दिलीप कुमार दिलीप कुमार एक्चुअली सब लोग जो पार्टीशन गए पाकिस्तानी तो नहीं है मतलब इंडियन ही है बट पीछे से उनका ताल्लुक यहाँ से इस इस हाँ, इस इस, में हाँ, हाँ, हाँ तो जब ये सब लोग गए वहाँ पे तो उस टाइम में मेरे ख्याल से मेरे भाई फिफ्टीज में आपको पता ही सोशलिस्ट दौर चल रहा था ये इप्टा वगैरह बने वहाँ पे बलराज थानी उसके वो थे उसमें साहिर लुधियानवी साहब और जानसार अख्तर ये सब लोगों ने और फिर ये बॉम्बे की जो फिल्म इंडस्ट्री जो सेट हुई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मुझे जितना समझ है ये सब कपूर से ये चोपड़ाज वगैरह ये सब ये इधर है इंडिया है और इन्होंने ही फिल्म इंडस्ट्री सेटअप करी बेसिकली तो फिर जाहिर सी बात है जिन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करी है वही दिखेंगे और उन्होंने आप देखो उस टाइम की फिल्में वक्त वगैरह जो था हाँ वो सब इसी डिस्प्लेसमेंट में पार्टीशन में वो बलराज थानी की वो कौन सी फिल्म गरम हवा वो ये सब फिल्में उस टाइम बनी वो जो ट्रामा था पार्टीशन का और टू न्यू कंट्रीज़ यू नो ट्राइंग टू फाइंड देयर फीट आपको याद होगा वो गाना है आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान सेम गाना इंडिया में भी बना उसी बंदे ने बनाया आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की वाकई वो ही बंदा जिसने पहले इंडिया में बनाया था वो दैट पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान अपने टाइम का राहत फतेह अली खान था जो पी <laughs> जो पीटीआई के भी गाने गाता है पीएमएलएन <laughs> के भी गाने गाता है पीपीपी के भी गाने गाता है मिलिट्री के भी गाने गाता है बट दैट 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 गाय माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड क्रिएटेड अ फिल्म तो उसी में uh, गाना है पाकिस्तानी फिल्म गाना है हम लाए, लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के और सेम गाना इंडिया में हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के अच्छा ये एक बात बताएं अभी जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बना बड़ा अच्छा बहुत अच्छी चीज है नहीं। नहीं।

जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्में होती थी शशि कपूर की लाइटली भट्टाचार्य की और वो ऋषिकेश मुखर्जी की जैसे, जैसे कहना चाहिए क्लास है जो सही में इंडियन मिडिल क्लास है वर्किंग क्लास है उसका जो वो होता था वो क्यों नहीं है ऐसा क्यों नहीं बनती फिल्में सर टाइम्स ना अब टेक्नोलॉजी भी ज्यादा वो हो गई एडवांस हो गई है ठीक है ना हमारी आवर सोसाइटीज़ हैव हैव दे मूव्ड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन तो फिल्म्स आर आल्सो द रिफ्लेक्शन ऑफ द टाइम्स वी आर लिविंग द सोसाइटी वी आर लिविंग इन तो जिस जिस दौर में हम रह, रह रहे हैं जिस सोशल मीडिया के और लो अटेंशन स्प्रैन का दौर है बच्चों को तीन तीन घंटे की तो फिल्में बनती भी नहीं है हाँ तो खैर

कहेंगे उसको और उसको एक्नोलेज करके अपनी गलती को तो मानना ही चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा तो अफसोस थोड़ी देर के लिए तो करना चाहिए कि क्योंकि उस ट्रामा को एड्रेस करना बहुत जरूरी है अदरवाइज वो पास ऑन होता रहता है जनरेशन जनरेशन जन दर जनरेशन, जिन जो पार्टीशन से अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनके चार चार जनरेश चौथी जनरेशन में भी ट्रामा है जी है बिल्कुल है हम लोग याद करते हैं देखे ना अब तो जो किताबें आई हैं अब जो फिगर्स आ रहे हैं पॉल ब्रास की बड़ी रिसर्च है डिटेल रिसर्च है कि कितने मैं उसको दोहराऊंगा नहीं यहाँ पर मुनासिब नहीं है कितने दोनों तरफ से कितनी औरतें गायब हुई किडनैप हुई मिसिंग है आज तक तो अगर कोई जिसे कहना चाहिए ना कि इनलाइट नेशन होती है कोई जिसे कहना चाहिए किस्म की सोसाइटी होती है ना तो वो रिबोट शो करती है कि हाँ ये हमसे गलती हुई वी आर रॉन्ग आज आज मैं तो इससे भी कम कह रहा हूँ करें ये। तो जो औरतें सर्वाइव भी कर गई या जो मर्द सर्वाइव भी कर गए वो जो उनके जिसम के अंदर ट्रॉमा था वो पास ऑन करेंगे ना अपने बच्चों को या दूसरी तरफ कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई मर्डर करे तो यू लूज अ पीस ऑफ योर सोल बिल्कुल तो अक्सर ऐसे शायद पंजाब में दोनों साइड पे हों फैमिलीज के हमारे दादा जान जब उन्होंने देखे वो तो एक क्यूट से बुढ़े हुक्का पी रहे हैं mm -hmm. लेकिन शायद उन्होंने अपने टाइम पे औरतों के साथ कुछ किया हो ये? गले काटे हों तो हाउ डू यू लाइक यू नो कॉग्नाइज दीज टू थिंग ग्रैंड फादर इन दिस मे हम ऑफ मैडनेस मे ना शहजाद हमको ना ये सोचना पड़ेगा कि वो एक बहुत ही बुरा और बहुत ही मुश्किल दौर था यार उस टाइम पे अपना मॉरल कंपास एक आम इंसान के लिए अपना मॉरल कंपास सही जगह पे रखना वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आप ये सोचो कि जहाँ पे आपकी पुश्तें सदियों से रही हैं तुम्हारे घर खेती ज़मीन दोस्त यार सब छोड़ के तुम्हें कहीं ऐसी जगह पर जाना पड़ रहा है जहाँ पे तुम कभी गए नहीं हो और फिर देन यू हैव टू कॉल इट योर कंट्री एंड यू हैव टू स्टार्ट लविंग इट राइट फ्रॉम डे वन तो ये ऐसी सिचुएशन में इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल एंड इमोशनल ट्रामा ये दिमाग ही हिल जाता है बिल्कुल 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 आप, आप, आप यहाँ से अब तुम कराची में रहते हो तुम अगर तुम्हें बोरिया बिस्तर उठा के लाहौर ही शिफ्ट होना पड़ जाए तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा मतलब एक तुम्हारा जिंदगी है जो यहाँ पे उसको छोड़ के उधर जाना पड़ रहा है नए शहरों में काम करने में भी लोग बिल्कुल, बिल्कुल तो, और ऊपर से जुल्म आधी फैमिलीज इधर है आधी फैमिलीज उधर है हाँ, कुछ तो अपने कजन वगैरह से मिले नहीं आई कि हमारे वहाँ दो कजन इंडिया में है

स्ट्रेंथ पकड़ी इस खत्ते में उसके बाद ज़्यादा शुरू हुआ है बॉर्डर जो कुछ भी, जो कुछ भी भी कुछ नहीं, नहीं था। था। लेकिन ऐसी आफत नहीं पड़ी हुई थी इंडियन फिल्में चलती रही थी पाकिस्तान में लगती थी इंडियन फिल्मेंटली तक चलती थी बीच में तो खत्म हो गया था ना से पहले पहले मुगले आजम जो है यहाँ पर लगी पापा ने बताया था इस तरह मुझे इस तरह है ये तो ये तो हमारे यहाँ तो अब, अब देखे ना जो डेवलप्ड नेशन होती हैं इनलाइट नेशनज़ होती हैं वो माजी से सबक सीखती हैं आगे बढ़ती हैं हम माजी का बैगेज जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर पोलिटिकल एंड्स लेकिन किस तरह आप दे क्या रहें आप दे क्या रहे अभी मैं और मेरा ये संजय का एज ग्रुप थोड़ा सा ही फ़र्क होगा ठीक है ना माइंड सेट तो एक ही जैसा है हम खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा हमें तो थोड़ा सा माजी पता है इनको भी माजी पता है जो हमसे सीनियर थे उनको पता है लेकिन वो एक खास जो पार्टीशन के बूमर्स हैं वो तो इसको बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स में देखते हैं ना हिंदू मुस्लिम हम उसमें नहीं देखते क्योंकि हमने सीखा हमने तीस चालीस सालों में सीखा कि नहीं यार लेट्स लिव टूगेदर उसको पीस को करते हैं चांस करके देखते हैं कुछ होता है और हो जाएगा करना पड़ेगा आपको आपको ये करना पड़ेगा देखें ये जो कमिंग अनार्की वो है ना जो, जो, जो ट्रेन का जो ने जी एग्जाम्पल दिया कमिंग अनारकी का लॉलेस फ्रंटियर रॉबर्टिक थ्योरी जो मैंने बताई उसमें, उसमें उसमें उसने ये कहा है कि दोनों मुल्कों के लिए उसने बड़ी बैड न्यूज और ये नाइन्टीज की स्टडी बता रहा हूँ कि डिप्लेटेड और वो नीचे जा रहे हैं और दोनों मुल्कों के अंदर अनारकी फैल सकती है डिसमेंबरमेंट हो सकती है मास टेबल पर ये जिसे कहना चाहिए ना वेकअप कॉल है वेकअप कॉल किस तरह आ रही है अभी आपने सलाब देखे थे जो दरिया तीस चालीस साल से पाकिस्तान में खुश पड़े थे इन फुल फ्लड्स अब आप ये देखें दोनों के मसायल एक है भारत के पाकिस्तान के मसायल के बिल्कुल एक जैसे पॉवर्टी हेल्थ क्लाइमेट चेंज और ये जो क्लाइमेट चेंज है इट्स वेरी डेंजरस डेंजरस सबसे क्लाइमेट चेंज है आप जो ड्राई की बात कर रहे हैं आई थिंक सुतलेट जो है यहाँ पे हमेशा से ड्राई रहा है लेकिन इंडिया में अभी इतना फ्लड आ गया है राफ़े आलम जिनके आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात की उन्होंने बोला ये द लॉ ऑफ एवरेजिज दी इज़ ओवर हम जो ये एवरेज से कैलकुलेट करते हैं ना कि यार यूजली रिवर फ्लो टू हंड्रेड होता है ऑन एवरेज अगर वो थ्री हंड्रेड हो जाए तो हम फिर भी ये इधर वैलीज बना सकते हैं यार वो ख़त्म हो गया टाइम खतम। वो ख़त्म हो गया कि अभी हॉन्गकॉन्ग में पूरे साल की बारिश एक दिन में हुई है एक दिन में पूरे साल की बारिश हॉन्गकॉन्ग में हुई है इवन राइट नाउ ग्रीसेज अंडर वाटर ब्राज़ील इज अंडर वाटर चलिए हमारे लिए तो ये जो क्या पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच नहीं हो रहा बट कोलंबो की आप तस्वीरें तो देखेंगे कितना mm -hmm. पानी mm -hmm. पड़े सुटलेज इज अंडर वाटर के एक एरिया में चाइना के एक एरिया में होंगकॉन्ग में और साथ ही साथ दुनिया में हाइस्ट एवर रिकॉर्डेड टेम्परेचर एवरेज yes, right. जो निकलता है दुनिया का हाइस्ट एवरईस्टस्टो में भी

डिफोरेस्टेशन करी है इतनी ज्यादा जो वाटर कोर्स पे नो को करते हुए आबादियां बनाई सोसाइटी बना अब ये जो मलिर है रांची का मलिर ये बहुत ज्यादा फर्टाइल पावरफुल लैंड था ये सारी सब्जी खेती बाड़ी होती थी यहाँ पे छह से बाग थे बड़े बड़े अब यहाँ पे वो बने नीचे का पानी जितना भी था ना मलिर का ये मेरी अपनी नॉलेज है सावर हो गया सारा का सारा नहीं अभी वो तो मलीर रिवर के ऊपर जो बना रहे हैं उसका कोर्स बदलने की कोशिश कर रहे हैं इस पर हफीज़ बलोच जो है वो प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं तो आप क्या चाह रहे हैं इवन जो मलीर का एक गेट है उधर हर साल पानी जमा हो जाता है वो मुझे कोई बता रहा था कि अगर आप हिस्टोरिकल रिवर का कोर्स निकाल लें तो वो वहां पर आता है मलिर कैंट गेट्स जी जी वो इसीलिए वहाँ पे पानी आता है अभी नया नाजमाबाद हमने एक लेक बेड पे हाउसिंग सोसाइटी बना दी थी मैं भी जुलाई में आ, हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो उस वक्त दिल्ली में इतनी बारिश हुई थी इतनी बारिश हुई लाल किले तक पानी भर गया था और यमुना hmm. थोड़ा दूर है लाल किले नहीं इतनी नहीं, दूर भी नहीं है मतलब आ, नहीं ये किसी ने लिखा था कि बहुत सालों बाद यमुना है टच लाल किला लाल किला एंड ये वो जब उस टाइम बना था हाँ तब तब उनकी लिविंग मेमोरी में था कि होता है टच तो हमने ये प्रॉपर्ली बनाना है और अब जाकर वो पता है कितने सालों बाद मिले हैं बहुत बाद और वो अनयूजल रेन थी जुलाई में भी होती रही अगस्त में भी होती रही अभी कल ही कल भी हुई है दिल्ली में बारिश तो वो लॉफ एवरेज आप सही कह रहे हो वो टाइम निकल गया अब नाउ वी आर लुकिंग एट बैरल एंड क्या होता है तो वो क्लाइमेट का तो सर मुझे अपनी जिंदगी में याद है कि सितंबर के एंड तक आते आते ठंड शुरू हो जाती थी और अक्टूबर में अच्छी खाती सब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में धीरे धीरे ठंड जाने लगती थी मार्च एंड तक जाते थे अब दो महीने सर्दी नहीं पड़ती दिसंबर और जनवरी के एंड तक आते आते ठंड खत्म होने लग गई तो गर्मी जो पूरा बेल्ट है ना मुझे मैंने अपने मामू से पूछा था

कराची के अंदर इस तरह की बारिश कभी भी नहीं होती थी सिंध में में बारिश नहीं होती थी इट्स uh, यही है ना कि हाँ पॉलिट, फसे फसे हैं। हैं। कि हम अपनी पॉलिट पॉलिटिक्स फंसे रहते हैं ये चोर हैं ट्रेड का उसका पैसा खा लेंगे और इवन जब आपको तो शायद इतना ना पता तो आपको पता है सिर्ड टू थर्ड्स ऑफ द प्रोविंस वॉज अंडर वाटर और अगर आप टी वी चला लेते ना आपको लगता कि आप तो यूरोप में रह रहे हैं जी. सिर्फ पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही थी सिर्फ ये डिस्कस हो रहा था कि तोशाखाना का केस क्या है घड़ी चोरी क्या है तो आप लिटरली अपनी आद, आधी पॉपुलेशन को इंसान का बच्चा नहीं समझते सिंध दिखा तक नहीं रहा एक पैंतालीस मिनट के शो होगा तोशाखाना पे उसके लास्ट मिनट में बोलेंगे और सिंध में अब तक लोग बेघर हैं अरे नंबर तो है। ना मैं इसको मेरा तो हिस्ट्री पढ़ता हूँ राजस्थान के अंदर जिस तरह बारिशें हुई हैं राजस्थान में इस तरह बारिश नहीं होती थी कभी भी नेवर hmm. राजस्थान में तरह जा, जा, इस तरह की बारिशें नहीं होती थी पाकिस्तान का जो थर पारकर है आधा हिस्सा वहां है आधा यहां पर है इस तरह की बारिशें थरपारकर में और राजस्थान में कभी भी नहीं होती थी जो होना शुरू हो गई हैं तो इसी को अब देखें ना इसके अंदर भी ब्लेसिंग जो आपके राफे साहब बता के गए फ्लड हार्वेस्टिंग उसी पानी को प्रिजर्व करें इस्तेमाल करें ये प्रायरिटी नहीं है प्रायोरिटी क्या है हैजनबी को डिस्कस कर रहे हैं शाह अब्दाली को भाई वो हिस्ट्री थी श्योवर आप आप पुराना बैगेज लेकर मैं पृथ्वीराज चौहान को लेकर इसको जज करना शुरू कर दूं ये ज़हीरुद्दीन बाबर को लेकर मुझे जज करना शुरू कर दे तो हो गई कहानी फिर तो भाई वो एक अलग डायनेमिक्स थे वो एक अलग दौड़ था शोवर आपके लास्ट आप जो पॉडकास्ट आए थे इंडिया में लोगों ने कमेंट किया कि तुम लोग तो गजबी तुम लोग इतने कहा भाई इंसान अपने माँ बाप अपने दोस्त और अपना नाम खुद सकते हैं मुगल आपका नाम कैसे पड़ा मेरे पेरेंटेज है ना तो उनका कोई ना कोई अपना नाम होगा ना मुगल तो नहीं होगा तो नाम। नाम सब सब ददयाल में सारे के सारे नेम पर्शियन है तो मेरे वाले साहब ने इसी से पूछा उनके दोस्त से तुमने अपने बच्चे का नाम नंगर और चनेसर रखा हुआ है क्यों आपका नाम नंगर था सिंधी टिपिकल सिंधी नेम है नंगर और चनेसर उन्होंने अब्बू के दोस्त बचपन के दोस्त से उन्होंने पलट के पूछ लिया कि तुम्हारे जो बेटे का नाम बाबर है मैंने पूछा तुमसे आज तक खामोश हो गया अब बिल्कुल खामोश ये आप ये देखें ये बूमर्स का बता रहा हूं उसने उसे कहा कि ये आप मुझसे तो पूछ रहे हैं नंगर चनेसर का आपने अपने बेटे का नाम बाबर रखा हुआ है आप अब अब्दुलरहमान रख देते अब्दुल्ला रख देते चलो ये तोता के मुसलमानों का नाम है अब ये नामों के ऊपर शुरू हुआ मैंने कहा नाम मुसलमान कैसे हो सकता है नाम से क्या ताल्लुक है मुसलमान का कोई ताल्लुक नहीं है कल्चर का नाम है कल्चर है सिर्फ जैसे जबान उस दिन डॉक्टर तारिक रहमान साहब का सुनता तो नाम क्यों बदलवाते हैं अगर किसी का नाम अगर लेट से जॉन है और वो पाकिस्तान में इस्लाम कबूल करता है आप दानियाल रखवा देते हैं गलत ना गलत है गलत नहीं, नहीं मना नहीं इस्लाम में कोई नाम रखना मना नहीं है अगर गौर से पढ़े किसी को कहीं नाम नहीं चेंज करवाया गया कहीं नहीं कोई एक आध नाम मामूली से चेंज था उसका मतलब बड़ा गलत निकलता था तो चेंज करवाया ये असल में ये जो कॉलोनियल ये जो बैगेज है ना हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब अब देखें आप हिंदुस्तान में बहुत बड़े स्कॉलर हैं दिल्ली के अंदर यूसुफलाई साहब उन्होंने किताब लिखी है उसके अंदर और इसी के ऊपर ज़ात पात हिंदू को तो छोड़ देना मुसलमानों का बता रहा हूँ मैं उन्होंने बताया कि खिलजी के दौर में जियाउद्दीन बरनी ने जो तबक वगैरह में इसमें दूसरे में लिखा है तबकत फ्रोशाही वगैरह दीगर में कि बहुत सारे जो मुसलमान हिंदू जो थे मुसलमान हुए अब वो लोकल थे उनका जो उनका जो वो था जो तेरा बारह था वो लोकल था जारी बात है अब तमिलनाडु या मद्रास के अंदर या श्रीलंका के अंदर किसी आदमी से कहें कि वो बिल्कुल सेंट्रल एशियन लोगों का नहीं होगा वो उसकी जमीन है वो वैसा ही है तो ये लिख रहे हैं कि वो भाई उनको बराबर का मुसलमान नहीं समझते थे तो ये हमारा पास का बैगेज है और ये हमारी किताब ये ये जो बहुत सारी बातें होती हैं उसमें कुछ गलत नहीं है हमारे अपने मुसनफ़िन जो कुछ लिख के गए हैं डॉक्टर मुबारक अली से आह बहुत सारी तारीख की किताबों में जो कुछ लिखा है तो वो हम लेके चल रहे हैं लेकिन बीच में कुछ लोगों ने कोशिश की डॉक्टर तारा चंद हैं बहुत बड़े स्कॉलर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के वो प्रोफेसर मोहम्मद उमर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इरफान हबीब साहब हबीब साहब इन लोगों ने मिलाने की कोशिश करी कि नहीं यार ये ऐसे नहीं है इस तरह भी इंटरप्रेट होता है हिस्ट्री का नरेटन है नरिशन इस तरह भी इंटरप्रेट होता है इस तरह भी इंटरप्रेट होता है आप क्यों Uh, divisive जो जोटिव uh, उसको लेके चल रहे हैं मिलाने की कोशिश करें ना यार Simple is that. इसकी सबसे बड़ी मिसाल है 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 वो एक, uh, detailed discussion है, इतना इतना clear -cut नहीं है, <laughs> कहानी जितना पेश कर रहे हैं आ, आपके क्या राय है संजय भाई इस uh, अमन की आशा नैरेटिव में <laughs> <laughs> आमिर भाई जो रिवाइव कर रहे हैं आमिर की आशा आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने कर दिया क्योंकि जो हम ना इसी हेर फेर में ही तब से और कोई कभी यारियाँ हो जाती हैं कभी बॉर्डर बंद हो जाते हैं कभी क्रिकेट टीमें आती हैं उनके बड़े होते हैं और कभी मैच नहीं खेलेंगे हम साथ में बट असल में ये जो बोल रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज इनफैक्ट मैंने कल भी आप बताया ना एंत लाइवन की किताब है पाकिस्तान हार्ड कंट्री उसने बड़ा एक्सटेंसिव घूम घाम के लिखा है हालांकि थोड़ा

आप गलत अच्छा अच्छा कुछ कुछ जी है। कि, आ, इतनी सारी मुसीबतें जो पाकिस्तान में जैसे वो अब क्योंकि वो यहाँ पे ऊपर लिख रहा था तो यहीं की बात कर रहा देर इज अरेट पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पाकिस्तान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लाइमेट से बहुत, किताँ बहुत किताँ पुरानी किताब है और सारे में घूमा रहा था तब क्लाइमेट चेंज पे मैं बात कर रही थी और अब तक हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी प्रायोरिटी नहीं है बिकॉज़ क्लाइमेट इज नॉट अ इट्स नॉट इवन अ रीजनल प्रॉब्लम नेशनल तो छोटी बात है ऊपर उप, से ऊपर से जब हमारी कंट्रीज में रिलीजन भी आ जाता है बीच में तो तो हम अपने दरिया खराब करने लगते हैं अपने जंगलों को काटने लगते हैं और जस्ट टू सेटिस्फाई आर रिलीजियस जो भी हमारे को जैसे घर में कुछ हवन पूजा होती है तो उठा के नदी में डाल देते हैं गंगा में डाल दी जब उन्होंने गंगा पोल्यूट कर दी इंडिया में जो सबसे ज़्यादा साफ नदी है वो है चंबल अच्छा हाँ राजस्थान यूपी के बीच में हाँ भी, 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 भी बीहड़ में समझ गया वो सबसे ज़्यादा क्लीन रिवर है क्यों क्योंकि दैट रिवर इज़ सपोज टू बी कर्स्ट कि वो जो उस नदी में अगर कुछ आप अपना पूजा की सामग्री वगैरह उसमें डालोगे तो आपके साथ कुछ हो जाएगा कुछ गलत mm -hmm. कोई उसमें डालता ही नहीं है एंड दैट इज टर्न आउट टू बी अ ब्लैसिंग डिस् गाइस एंड दैट इज द क्लीनेस्ट एंड

अख्तार्मान का लड़का एम एन ए जो था वही अख्तर दूसरे लोग जो थे बुशरा गव, बुशरा रहमान और पी एम एल एन के लोग उस वक्त बहुत शरीफ कहत पड़ा था नाइन्टीज़ में तो ये लोग रावी के अंदर रावी और ये नहर के अंदर बैठ कर इन्होंने वो मट मत, मटके पानी में भरकर दोबारा डाले थे दरिया में राज़ी करने के लिए ये मुसलमानों ने किया ना आप उनको क्या कह रहे हैं मैं इस तरह नहीं कह रहा था हाँ, कि आप ऐसे हैं ऐसे मैं ये कह रहा था हाँ, कि जो कैपिटलिज्म है दैट्स अ बिगर फैक्टर जिसकी वजह से पाकिस्तान के रिवर्स और रिवर्स का कोर्सेस तो और हाउसिंग सोसाइटी हमें हाँ तो इन चीजों ने बर्बाद किया आप देखिए ना कि कैपिटलिज्म ऑफ कोर्स इज द बिग क्लाइमेट चेंज इज अ रिजल्ट ऑफ कैपिटलिज्म ओनली जब जमीन को हड़पने के लिए ऐसे मुंह फाड़ के खड़े रहते हैं लोग जहाँ मौका मिल जाए वहाँ अब जैसे मैं इंडिया में भी बता रहा हूँ नए नए टाउन्स जो डेवलप हो रहे हैं गुड़गांव हो गया ऐसे नोएडा हो गया ये टाउन एक्सपेंड होते जा रहे हैं तो हो कह रहा है जो किसानी की जो जमीन थी वो एक्वायर वो एक्वायर कर लेती गवर्नमेंट ए उन किसान को कॉम्पनसेशन दे देते हैं पैसा दे देते हैं और फिर वहाँ पर बंदे अपार्टमेंट से फैक्ट्री या कोई कोई भी शॉपिंग मॉल है सब कुछ और उससे एक सोशल प्रॉब्लम भी होती है और भाई जो किसान है फार्मर का को तो एक ही काम आता है ना फार्मिंग वो खेती करता है आपने उससे उसका वही काम ले लिया और उसे सौ करोड़ रुपए उसको कॉम्पनसेशन दे दी वो सबसे पहले लैंड क्रूजर खरीदेगा जो साइकी बनी हुई हाँ वो लैंड क्रूजर खरीदेगा और फिर वो अब उसका काम उससे ले लिया गया है अब तो उसके बाद पैसा दे दे उसे नहीं पता है क्या करना है पैसे का वो वो तो कुछ दिन में पैसे खत्म हो जाते हैं ना उसके पास जमीन रही ना पैसा रहा फिर मुकदमेबाजी में उनके लड़के वड़के बदमाशी करने क्योंकि क्या है तो लॉप साइड डेवलपमेंट क्या है जैसे शॉपिंग मॉल बनाया कहीं पे नोएडा में तो उनके लड़के जो हैं जो खेती करते अब वो उस मॉल में जाके कोई सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है वहाँ पे कोई बाउंसर बना हुआ है वहाँ पे और कुछ लोग वहाँ पे ये दादागिरी करते हैं कि हमारी ज़मीन पे तुमने बना रखा है वो वो उसकी कर दिया। तो पूरा एक सोशल फैब्रिक चेंज चेंज कर दिया। वो चेंज दिया। कर दिया दिया अकबर जैदी साहब ने भी आईबीए के चीफ हैं बड़े पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान जी के जी। बड़े हिस्टोरियन भी हैं उन्होंने कहा कहने कि कौन पाकिस्तान को कहता है जरूरी मुल्क आपको पता है पाकिस्तान में कंट्री साइड के ऊपर कितनी डेवलपमेंट हुई है कोई जरूरी मुल्क नहीं रहा पाकिस्तान अब ये अभी मैंने उनका कल परसों कुछ किसी जगह पर उनका लेक्चर था वो सुन रहा था तो ये सही कह रहे हैं जो हमारी फूड बास्केट है जो हमारा किचन है वो होता जा रहा है दोनों मुल्कों का ये मुझे नहीं पता था गुड़गांव इन्होंने ये बताया है वरना ये गुड़गांव जो है गुड़गांव मुजफ्फरनगर सब आस पास ही है, नहीं, तो है ना नहीं गुड़गांव तो दिल्ली के पास दिल्ली के बगल गुड़गांव हाँ। हरियाणा में है मुजफ्फरनगर यूपी में है ये। तो ये तमाम की तमाम जो है ना ये की फर्टाइल तरीन बेल्ट है ये मुजफ्फरनगर गुड़गांव यूपी हरियाणा बेहतरीन

सिंदरी तो, तो हमारे यार। ये, नहीं। नहीं। है? ये वहां से जो, जो पूरा मैं, मैं फ्रूट मार्केट है ना मेरपो खास वहां पर कुछ लोग आए थे बल्कि काचेलो साहब का जो फार्म था उन्होंने हिंदुस्तान में यूपी से ये सहारनपुर का जो बेल्ट पूरा वहां से कुछ की ब्रीड मंगवा उनको क्राफ्टिंग करके ये डेवलप किया था सिंध के अंदर इस तरह डेवलप हुआ है

आप ये तस्वुर करें कि कितना फर्टाइल लैंड है ये पूरा जो पूरा बेल्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा बेल्ट एकदम आप उठा के नक्शा देखिएगा यूपी के साथ पैरेडल है बिल्कुल पंजाब बिल्कुल पंजाब पैरेडल है तो अगर आप इसको डेवलप करें एज ए किचन मतलब अगर आप कितनी तेजी से रेपिडली इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन है आप उसको कैसे फीड करेंगे यार जब आप ये करें ज़मीनों के साथ जो जब भी मैं तो हिल के रह गया ये मेरे ख्याल से अगर ट्रेड खुल जाए दोनों मुल्कों में फिर आप थोड़ा इंसान भी बन सकते हैं ना कि यार ये वीट के लिए बेहतर है ये राइस के लिए बेहतर है तो इधर को ले हम इधर आ लेते हैं आस पास करते रहते हैं मुझे पता नहीं ये सब चीज़ें इतनी मुश्किल क्यों है करें। क्योंकि दुनिया में आज हर नेबर अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को छोड़ दो तो उनके बाद हमने ही गंद रखी है ठीक <laughs> है हर नेबर अपने नेबर के साथ ट्रेड कर रहा है ट्रेड कर रहा है मिलजुल रहा है और आपस में कोई किसी का फड्डा किसी से कोई नहीं है कोई यहीं पता नहीं क्यों आग लगी रहती है अफ्रीका में शायद होगा और मिडिल ईस्ट में होगा

सर्दी भी है गर्मी भी है बारिश भी है खुशका भी है सब कुछ है ना आप इस इन्वायरमेंट को अगर इसको टैप करना चाहें सारे के सारे उसको तो आप तस्वर कीजिए कि लोगों की जिंदगी बदल जाएंगी अगर चाहें तो करना चाहें तो वो दीना आए थे गुलजार साहब जहलम में जाके वो हैं तबीयत खराब हो गई थी वापस जाकर ये देखें ये उनके साथ पीछा कर रही है वो चीज़ जिन्होंने वो चीज़ अच्छा वक्त देखा है ना वो चीज़ पीछा कर रही है उनके साथ गुलजार साहब के गुलजार साहब बीमार पड़ गए थे जाकर जलम जा, आए उनको हल्का सा अटैक हो गया था ये देखिए ये, ये, ये इस तरह से जहाँ पे आप रहते हो जहाँ पे आपके पुरखों की हड्डिया दफन हो जहाँ आपके आपके बड़े बड़े घर हो वहां से भूल जाएंगे ऐसा नहीं होता इट हैपन दैट वे क्या इतना तो हम वैसे टूरिज्म इसी चीज से कर सकते हैं जो लोग वापस आना चाहते हैं देखना चाहते हैं जान पहचान मेरे बहुत खास दोस्त है तो उनकी फैमिली यहाँ पे सरगोदा से थी तो मैं माइग्रेट कर गए पार्टीशन के टाइम पे एंड हिज फादर जॉइन द इंडियन एयरफोर्स एंड ड्यूरिंग द वॉर ही हैड ड्रॉप एंड ही गोट सो ही सो ट्रामाटाइज दैट ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक अपने बचपन के दोस्तों पे अपने मोहल्ले पे जहाँ पे बड़ा हुआ जहाँ पे मतलब

अपना नाम कहाँ लिखा उसने नीचे समीन पर उस पर ताकि लोग लोग से से चलते भी जाएं। ऐसे चाहिए आपको दोबारा जिनके यहाँ पर दिल हो हो पत्थर ना भाई ये मुझे बताएं सिंधी कल्चर की बचपन में मैं बड़ा मजाक उड़ाता था कि जब गले भी मिलते हैं तो इतना नीचे झुक जाते हैं समझ नहीं आता कि कहाँ गले मिलना चाह रहे हैं <laughs> आप तो अभी भी, भी यही करते हैं लेकिन इट्स सो नाइस के सिंधी जब मिलते हैं एक दूसरे से वो अपने आप को हम्बल करते हैं दूसरे हाँ, के साथ वो हो, हाँ, तो इस कल्चर के बारे में जो इन्फ्लुएंस था वो है बुदिस्ट, बुदिस्ट, सिंधी हिंदुनी? बाद में ये सब अच्छा। कश्मीर, के, कश्मीर से आए थे लोग चच वगैरह दायर वगैरह के अच्छा इसलिए कश्मीर और सिंधियों का कल्चर काफी मिलता है इंडस वैली जो कहा गया है इंडस वैली सिर्फ सिंध नहीं है कराची से कश्मीर तक नहीं है कराची से लेकर कश्मीर तक है इंडस वैली hmm. ये है पूरी इंडस वैली ठीक है ना बाकी रहा ये और फिर यहाँ पर सिंध का एक मिजाज है ख़ास यहाँ पर आकर मुख्तलफ़ मजहब के लोग हैं hmm. डायवर्सिटी रही है हमेशा से hmm. और उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बरकरार रखी है जो कि ऐसा ऐसा डमिनिश हो रही है सोशल अपीवल की वजह से hmm. मिजाज की वजह से नहीं आप इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ जो है और मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उसको तसुफ से या हारमोनी से हल करना चाहते हैं नहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से हल होता है वो ये चीज़ खराब हुई आहिस्ता आहिस्ता जब ये पार्टीशन का ज्यादा खराब हुई वरना सिंध के अंदर कल्चर जो था यहाँ पर मजबूत आइडेंटिटी है मुसलमान भी हैं हिंदू भी हैं मोस्टली जो हिंदू यहाँ पे हैं दे आर बेसिकली बिलोंग टू सिख बिलीफ जैसे एल के ये पता ही नहीं लोगों को साधारण बस प्रक्रिया थी वो ट्रेन क्यों बदल गया देखें ना वही वही बात कही ना आपको यहाँ पे सदियों से कहीं रह रहे हो डिसलोकेट कर दिया जाए तो चिड़जनेस तो होगी वो फिर शो हुई बस वो एक बुरा पैच था और वो बुरा पैच उसको कम किया जा सकता है अभी भी कम कर सकते हैं लोग अभी भी ये आजाद साहब ने अपनी किताब ये आगाशुरिश कश्मीरी को चुन दिया वो रेख्ता में किताब पढ़ी हुई बड़ी रेयर किताब है अबुल कलाम आजाद का इंटरव्यू पच्चीस तीस पेज अबुल कलाम आजाद साहब ने डेडिकेट किए पाकिस्तान को पढ़ने से ताल्लुक रखती है पेजेस कि ये होगा ये होगा ये होगा देखें पाकिस्तान एक ख्वाब है उसकी तकमील कीजिए आज़ाद साहब कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि देखें जब तक नेहरू साहब हम लोग सब जिंदा हैं जो मिल के रहना चाहते हैं आप को कोई ना कोई सेटलमेंट कर लीजिए इसके हमारे बाद फिर जो है ना ये फिफ्टीज का इंटरव्यू देखें आप प्रोफेटिक वर्ड्स हो गए ना ये अभी भी कुछ सरपरे हैं जो करते हैं कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे हैं लोग हैं हमारी दोस्त उस पर बिना सरवर करती है कि नहीं करती जो कुछ उनसे बन पड़ता है कर रहे आ, ये आपने थोड़ा सा कम बताया जरा हमें ज़्यादा बताएं कि ये अक्सर डिस्कशन होता है कि आज़ाद की जो सारी प्रोडिक्शन थी वो वन बाय वन आर आरकामी ट्रू फॉर पाकिस्तान तो ज़रा बताएं कौन कौन सी प्रोडक्शन थी उन्होंने पाकिस्तान को होशियार रहने के लिए कहा था अमेरिकन कैंप में जाने से उन्होंने मना किया था इस चीज़ से लेकिन जो उनकी एक तकलीफ दोहराई जाती है कि तुम कहाँ जा रहे हो ये हो जाएगा वो जाएगा यह भी तो उन्होंने कहा ना उसमें तो बाकायदा राइटिंग में किताब उसमें कहा आकाश और कश्मीरी से कि देखें पाकिस्तान आपके ख्वाब है अपने ख्वाब की तकमील कीजिए हमें तकलीफ होगी अगर इसको कुछ हुआ यह भी कहा है यह भी कहा है मैं आपको बताऊँ छोड़े सारी बातें मानी अय्यर साहब हैं मैं तो नहीं जानता था उनको डिप्लोमेट थे एक वो सेमिनार में आए डॉक्टर मुबारक अली साहब के साथ आठ से दस पंद्रह साल इससे भी ज़्यादा पुरानी बात है उन्होंने एक्सटेम्पोर्ट तकनीर करी है बगैर लिखे हुए गला भी उनका ख़राब था उसके बावजूद करी है और उन्होंने चौदह साल की हिस्ट्री हिंदुस्तान के अरब दुनिया के साथ रबते साथ लगाकर फोर्टी सेवन पे उस दिन पे खत्म किया पिन ड्रॉप सांस था डॉक्टर मुबारक अली जैसे अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी वो कहने लगे मैं अब क्या बोलूँ ऐसे लोग हैं अभी भी वो क्यों पाकिस्तान को पसंद करते हैं क्यों बहुत से लोग पाकिस्तान को पसंद करते हैं जो इंडियन है ये भी तो बैठे ना क्यों इतनी सारी सब चीज़ें होने के बावजूद मैं तो नहीं देखा मैंने तो नहीं देखा आज तक मेरा ख्वाब है कि मैं कभी जाऊँ देखूँ राजस्थान देखूँ खूबसूरत कल्चर है आप संजय भाई इसमें राय दें कि बेशर पॉलिटिशन ने पाकिस्तान में ज्यादा इंडिया में कम कोशिश ही की है कि जो एक हमारी सेंचुरीज़ की हिस्ट्री है ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस एंड पीसफुल को उसको कहीं ना कहीं ना तोड़ कर मोड़ कर उसको भुला कर एक नई आइडेंटिटी उस पर

तो वो डिनाइल के चक्कर में ही चीज़ें तो, तो मतलब हिस्ट्री को भी डिस्टॉर्ट करना पड़ा किताबों को भी बदलना पड़ा कि हमने जो हमारा जो ये अम्बिकल कॉर्ड है ये कट कर दो और वो वो डिनायल ही जो है डेफिनेशन बन गया फिर बाद में और उसका ऑब्वियसली जब इस तरह से शुरुआत होगी तो फिर बिल्कुल, टोटली, कुछ, बिल्कुल, कुछ, बिल्कुल सही पॉइंट के बाद फिल्ट्रेशन में आमिर भाई इस पर जरा मुझे बताएं मुझे लगता है कि अब जरा नुमाया के इसलिए आ रही है क्योंकि जो लोग के वगैरह में रहते हैं उनकी इतनी इतनी रू तक ये ख्याल पहुंचे नहीं थे पाकिस्तान बन गया वो बेचारा जो उनका लैंड था जिस पे वो गुलामी कर रहे थे वो वही गुलामी करते रहे फिर पॉलिटिक्स आई है वो आए अब सोशल मीडिया की वजह से ये जो नैरेटिव्स हैं ना ये इतने घर घर में घुस गए हैं इतने फ़ोन फोन में घुस गए हैं दैट दीज आइडियाज़ जो सीड्स अब फॉर गुड रीजन और बैड वन कैन डिबेट डाले गए थे वो अब जो दरख्त बन गए हैं उसके जो फल निकल रहे हैं वो बहुत खतरनाक नहीं बिल्कुल खतरनाक है देखे ना ये बढ़ा कैसे बढ़ा ऐसे भाई वो तो जो दोनों तरफ के जो लोग फश्ताइत और बिल्कुल mm -hmm. जो इन्होंने माइंड सेट बताया किट काट दिया लेकिन दोनों तरफ जो सैन लोग हैं ना उनकी आवाज़ ऊपर नहीं आ रही है अगर उनकी आवाज़ को पर लाया जाए जैसे मनी शंकर अय्यर है मुबारक अली साहब है बहुत सारे लोग हैं अनगिनत भी नजर नजरवर है बहुत सारे अनगिनत दोनों तरफ लोग हैं ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं और देखें इसका हल कुछ भी नहीं मैं ये नहीं कहता हूं कि किताबों से अब ये निकाल दें कि गजनवी ने क्या किया खिलजी ने क्या किया ऐबक ने क्या किया गौरी ने क्या किया किसने क्या किया बिल्कुल नहीं रहने दें उसको एज इट इज़ रहने दें जैसे है हाँ एक्सेप्ट करें ये हुआ है हमारे right? हम अंदर नहीं है ना हम hmm. तो कहते हैं अभी शब्बर जैदी हैं कहने को तो बड़े इकोनोम उन्होंने ट्वीट किया कि ये जो इंडिया है हमने तो उसके ऊपर इतने साल रूल किया था हम कौन है भाई ये शब्बर जैदी ने कैसे रूल कर लिया को, को पूछे देखे ना मेरा एक फील्ड है हिस्ट्री मैं बात करूं समझ में आता है आपकी इंटरटेनमेंट है बहुत सारी चीजें और भी हैं आप लॉ लॉ चीजें ठीक है ना शब्बर जैदी साहब को एक, economic तक, economic तक रहना चाहिए ये जरा बता दें कि मुसलमानों का पूरे हिंदुस्तान पर कब कब्जा रहा है पूरे हिंदुस्तान पे एज ए सिंगल इंटिटी मुसलमानों का कब कब्जा रहा है मुझे ये, ये सवाल का तो जवाब अगर, वो थोड़ा सा पढ़ लेते, अगर जी, जी। होता भी जी। तो जो मुसलमान इस खत्ते में तारीख में रहा है वो मैं हूँ और मेरे जो एक्चुअल अजदाद वो मैं नहीं, हूं। नहीं है तो ये 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 जिस तरह वो एक डॉली शिप बनाई थी ना जो चल नहीं सकी थी क्योंकि आपने एक दूसरे का इधर उधर से डीएनए मिलाकर जिस तरह हसन ने अपना टेस्ट कराया आप जो हैं वाकई वो मैं नहीं हूँ आपसे और जस्ट बिकॉज मेरा मज़हब किसी से मिलता है वो हज़ारों साल तक जो दुनिया में आया है वो मैं हूँ तो आपकी आइडेंटिटी रहेगी ना यार ये बेहूदी की बात है एक्चुअली <coughs> ये इस दोनों कंट्रीज में को ये हिस्ट्री को तोड़ना मोड़ना छोड़ना चाहिए बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहिए। कि ये हमारा बल्कि हमारी हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिन पर प्राउड फील करना चाहिए जी उसको कैसे तुमको मतलब कितना गोल्डन एरा था जब इंडिया जब ब्रिटिश के आने से पहले इतना पैसा था इंडिया पे जी जी सारा वो लूट खसोट के ले गए ठीक है उनसे तो किसी को चिट नहीं है हाँ, <laughs> वो बोलते हैं वापस हाँ। आ हाँ। आयरनी आयरनी उनके यहाँ जाके नौकरी भी करने को तैयार है उनके यहाँ जाके मतलब चाहे वो काम करें जिस जो उनकी उससे नीचे है क्वालिफिकेशन से नीचे है उनसे यारियां भी हैं उनसे शादियां भी हैं उनके यहाँ नौकरियाँ भी है लूटा खसोटा उन्होंने ही है

कि पाकिस्तान अगर 0.2 0.1 दुनिया में मिशन में कंट्रीब्यूट करता है और 70 परसेंट हम पे जुल्म हो रहा है तो आप लोगों ने जो ये पेट्रोल बनाया है और फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री बनाई है उसकी वजह से पाकिस्तान डूब रहा है ना तो आप लॉस एंड डैमेजेस दें अब ये बोलना शुरू हो जाएंगे भिखारी 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 अब क्या मतलब भिखारी यार इंडिया इज़ पुअर पाकिस्तान इज़ पुअर बिकॉज ब्रिटेन इज रिच यस इट्स नॉट इंडिया इज पुअर एंड ब्रिटेन इज रिच यू हैव टू हैव दैट हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई दिस इज वॉट इट इज एंड उसकी एक एक्विटेबल uh, रिसोर्स या एक डिस्कशन होना तो चाहिए कि यार इतने साल तूने चोरी करके अपनी मुल्क बनाया अपनी अपने यहाँ लोगों को आयाश आयाश व आराम दिया हमारे लोग फहमिन था बंगाल का जो फहमिन था आपने भूखा मारा मिलियंस को ताकि इंग्लैंड में एक बच्चा खा सके जी.

जो हमें ये कहा जाता है कि डिवाइड एंड रूल किया ब्रिटिशर्स ने हमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने या क्राउन ने क्वीन ने जो फिर ये 47 में अंग्रेजों ने आके मारे मुसलमान हिंदू सिख बट जब आमिर भाई आपने एक दफा कर दिया हमने हम ने, हमको ने, क्या हो गया था नहीं अभी अपने आप से कोई नहीं हमें नहीं नहीं आमिर भाई एक दफा आपने अगर कर दिया जी ठीक आप तो रहते हैं कराची में जी जी कराची के अगर हम तारीख निकालें जी आपको हिस्टोरिकल कोई सिंधी मुहाजर लड़ाई तो नहीं मिलेंगी ना नहीं, कि एक दूसरे को काट ना, रहे ना, थे ना, ना, ना। एक पॉलिटिकल बनाया गया बनाया गया इशू बनाया गया बिल्कुल बनाया, बनाया गया, गया ना आपको तो पता है उसकी पॉलिटिकल तारीख भी बताई कि उसको एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया दुश्मनी की गई की गई अब खुदा ना खासा कोई सिंधी उठ के किसी मुहाजर को मारता है मुहाजर उठ के किसी सिंधी को मारता है

मैं ऐसी को बात चल रही थी किसी ने कोई हिंदू जबान को कुछ कहा अच्छा मैं इस बहस में नहीं पढ़ता मैंने कहा ये आप जो कह रही हैं खातून आठ दस साल पुरानी बात है ट्विटर पे मैंने उनकी तस्वीर लगाई नवल किशोर की पगड़ी पहनी हुई थी उन्होंने दाढ़ी थी उनकी शरई मैंने कहा इसको आप इनको आप कहीं से हिंदू कह सकते हैं मैंने कहा आपको पता है कितनी हज़ार किताबें उन्होंने उर्दू फारसी और अरबी की छपाई हैं इस्लामी आठ हज़ार के करीब उर्दू को जिंदा रखा है नवल किशोर प्रेस ने कितनी खिदमत की होगी नविल किशोर लखनऊ नाम था उनका ज़रा उनकी तस्वीर गूगल करके देख लीजिए आप कहीं यार ये, ये देखिए ये इस तरह किसी को डिसन कर देना है कि जैसे वो लोग थे ही नहीं आपने जो जबानों से अल्फाज निकाले बहुत सारे जबानों में हमारे जो अल्फाज बोले जाते थे प्योर हिंदी हिंदी जो हिंदी अल्फाज थे ना उसमें ना वो पर्शियन नहीं थे वो अरबिक नहीं थे ना टर्क थे टर्क थे हिंदी अल्फाज थे वो आपने क्लेंस किया

अपनी ज़मीनें जायदादें छोड़ के अब जिनका इतना प्रॉपर्टी रिश्तेदार छोड़ के अब अनसर्टेनिटी में आ रहे हो कि पता नहीं वहाँ पे हम क्या करेंगे क्या ज़मीन कौन सी जगह है मुझे तो पता भी नहीं है मेरा तो गांव वो तो एक एक इनसिक्योरिटी ऑलरेडी तो लेके आए थे वो साथ में उस इनसिक्योरिटी ने उनको इकट्ठा भी करके रखा और उनको ये ये भी हो गया कि एक बार तो घर हमारा छुट गया हमसे दोबारा नहीं जुड़ेंगे बट संजय भाई ये अगर फोर्टी में वायलेंस होता समझ में आती कि अगर 57 में वायलेंस होता समझ में आती है 67 में वायलेंस हुआ है तारीखी तौर पे हुआ है लेकिन 90s में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ इस, इस, इस स्केल पे तो अगर यही नंबर वन फैक्टर होता तो ऐसे कैसे हुआ कि 50 साल ये नहीं हुआ नहीं एक्चुअली नंबर वन 90s में जाकर हुआ तो ऑब्वियसली देर वाज अ पोलिटिकल एलिमेंट विच इज अट मोर इम्पोर्टेंट उसके शहजाद मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग उसके बहुत सारे रीजन है वाई इट स्ट्रेच टिल नाइनटीज एक

वो भुट्टो साहब के दौर में जब पाकिस्तान बना देल्ड, है लेने वाले लोग बनाया सलारियत अलग चीज थी बिल्कुल अलग चीज है वो हमजावी साहब बहुत बड़े सोशलिस्ट थे देखा होगा भी दे। दे। उन्होंने इसको एड्रेस किया है तो वो जो क्लास जो रूलिंग डिसीजन मेकिंग के अंदर जो सिंधी क्लास थी ना वो नी थी वो भुट्टो साहब के दौर में ऊपर आ गई उसकी वजह से वो चीज क्रिएट हो गई उसको टैप करके उकसाया गया था जरूर मिस गिविंग आपस में दोनों कम्युनिटीज में थी और दोनों को बैठ के इसको सॉल्व करना चाहिए लेकिन वो इतना ऐसा नहीं था कि एक दूसरे की जान के दुश्मन hmm. बन जाते एक दूसरे घर तक बर्बाद कर देते ऐसा नहीं था उसको बाकायदा हवा दी गई बट इज इन ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिक्स इन जनरल बोलते हैं ना हमारे यहाँ एक्चुअली गेम ज्यादा इंटेंसली खेला जाता है उनका काम ही है उनकी दुकानें ही ऐसे चलती हैं जो हमारे के, हर जगह ही हो रहा है यार वैसे तो मैंने पिछले पॉडकास्ट ग बात करी ये ये हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पॉलिटिकल एड है वो नहीं अगर तुम इंडिया पाकिस्तान नहीं लड़ रहे हैं तो आपस में कहीं ना कहीं लड़ रहे होंगे ये देखे ना अगर मेरा एक घर है अब मासी और ड्राइवर लड़ते रहते हैं रोज़ लड़ते हैं रोज़ अगर वो रोज़ लड़ेंगे तो वो ये नहीं सोचेंगे कि ये भड़वा हमें आठ क्यों देता है करेक्ट

और इनको लॉस एंड डैमेजेस देने चाहिए आपको पता है पाकिस्तान में लोग अगेंस्ट थे घटिया इन, इन चीजों में फंसा दिया वो लोकल लेवल पे भी होता है कि हम इसमें ही रहते हैं। right. तू पटवारी like, सिस्टम, सिस्टम के खिलाफ हम जरा आए ना कोई बात नहीं, नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें लड़ते रहते हैं आपने इतने सारे क्लाइमेट चेंज के है मैं तो मेरा तो इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं, नहीं मैंने खुद जानबूझ के कई थ्रेड शुरू किए मल्टीपल ट्रीज़ के ऊपर हीट वेव के ऊपर ड्राउट के ऊपर फ्लड्स के ऊपर पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर एड्रेस किया मेरा तो कोई दूर परे का वास्ता नहीं है सिर्फ मैंने कलेक्ट करके सिर्फ उसको शक्ल दी है कि भाई ये इशूज़ हैं तो लोग बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है बोलते हैं लोग अब हमारे दोस्त थे वहाँ पर सर बस यही लोग बोल रहे हैं ना जो बीस साल से बोल रहे हैं

उसने जितने भी गुरुद्वारे मंदिर पटोहार में है ना जो पंजाब की जो मार्शल बेल्ट जिसे कहते हैं ऐसे ऐसे पटोहार में उसने मंदिर गुरुद्वारे दिखाए बड़े बड़े ये हमारा हेरिटेज है उसमें किताब लिखी है बाकायदा उसमें किताब लिखी है बाकायदा कि अब इसको अगर ये इसी चीज़ों को टैप करें तो ये हमारा जॉइंट हेरिटेज बनता है पाकिस्तान इंडिया का दोनों का पुराने घर पुरानी मंदिर टेम्पल्स मुख्तलफ धर्मशाले गौशाला ये अब धर्मशाला इनके यहाँ पे कंसेप्ट लोगों को पता ही नहीं है जानवरों के लिए जगह होती थी हिंदू बनाते थे जानवरों के लिए जगह ये जानवरों के पानी पानी पीने की जगह है ये सराय बनाई हुई होती थी हिंदुओं ने ये नहीं बताते कभी भी ये नहीं बताएंगे कि इस हिस्सा जो हिंदुस्तान का ये हिस्सा है हिंदुस्तान का जो ये हिस्सा है पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं यहाँ पर सारा डेवलपमेंट का, का काम सोशल वर्क काम का। कौन करता था सिख और हिंदू या पारसी लाहौर पूरा गंगा राम ने फिर तो ये आप चीजें देखें आप इस चीज को कैसे रिमूव कर सकते हैं किसी ने इस मुल्क को कुछ आपके इस हिस्से को कुछ दिया हो आप उसको ऑनर करें उसको ऑनर करें आप चाहे वो गंगा राम हो चाहे वो अदबदास हो चाहे वो ओजाज हो एडवानीज हो असरानीज़ हो कोई भी हो आप उसको ओन करें उसको ओन उन करें। उन करेंगे उनकी चीजों को उनकी खिदम को हाईलाइट करेंगे तो ये जो पुरानी जो नफरतें हैं ये खत्म होंगी इसी तरीके से हिंदुस्तान में क्रेडिट तो क्रेडिट वे इज ड्यू इंडिया ने ये नहीं किया कि अपनी हिस्ट्री से मुसलमानों को या किसी और को रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे रेडिकेट किया जाए कोशिश तो करी होगी करी करी भी जा रही होंगी लेकिन कैसे हिस्ट्री? मेरा तो मानना ही कि हिस्ट्री को आप मिटा ही कैसे सकते हो आप कोशिश कर लो कैसे मिटा दोगे यार आजकल तो और आजकल तो और भाई इतने सोर्सेज हैं आपने टेक्स्ट बुक बदल दी तो इंटरनेट है इस आपका इस न्यूज के बारे में क्या है कि शायद ना हो लेकिन एक न्यूज़ बड़ी आम हो गई थी कि इंडिया जो है वो ग्लोबल स्टेज पर डी रेकग्नाइज होकर भारत वुड बी द ऑफिशियल टर्म इवन द कॉन्स्टिट्यूशन में भारत भी है बट वो जो एक डी रेकग्नाइजिंग इंडिया वाली एक सोच थी आपका क्या ख्याल है मैं मेरे आने के बाद हुआ है पीछे से जो भी कुछ हुआ सब क्या है

वो लोकल नाम नहीं है इंडिया नहीं नहीं इंडस वैली की वजह से तो वो उन्होंने दिए ना ये सारे नाम नहीं नहीं अंग्रेज ने इस, इस रीजन से बाहर से आया है नाम हाँ ये पर्शियन कहते थे इसको वो पर्शियन कहते थे तो नाम था सिंधु सिंधु कहते थे ठीक है वो एस से वो हिंदू हो गया वो जब अंग्रेजों से बोला नहीं गया तो वो इंड हो गया

मतलब अगर इससे कोई बहुत बड़ा ही कोई तब्दीली तब आ रही हो कि लाइफ का जो तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है लिविंग ऑफ इंडियंस बहुत बढ़ गया है और एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है इकोनॉमी तब तो खर छह महीने जो शहरों के हमने मुसलमान करने की कोशिश की जिसलपुर को फैसला बात कर दिया चीज़ गलत है वो sure उनको नहीं। नहीं। उनको लोकल करना और गोइंग बैक टू ओरिजिनल लोकल नेम्स दैट आई एम पापा जो है ना ये में, में अच्छा तो ये आई कर रहे हैं इसका नाम कुछ और था मेकलो रोड था और उसका नाम एम रोड का नाम था बंदर रोड था जी। नाम के साथ जो एक नॉस्टैल्जिया होता है आइडेंटिटी होती है लेकर आए कीछरों की बस्ती थी ना उसको डेवलप किया ना पारसियों ने और अंग्रेजों ने तो उनका ठीक है बिल्कुल ठीक है अंग्रेजों का क्यों नहीं अगर उन्होंने एक देख, चीज देखा ना आप अंग्रेजों का एलिमेंट निकालते हैं बचते क्या है फिर देखिए सर मैं पढ़ के सुनाता हूँ ब्रिटिश डिंट नेम आर कंट्री इंडिया किसी ने पोस्ट लिखा है अच्छे खासे स्कॉलर हैं एक्सपेक्टिंग uh, वो जो भी है द नेम इंडिया इज रियली एंशियन एंड फाइंड रिटर्न मैंशन इन ग्रीक स्कॉलर Herodotus' work from 400 BC and later in Megasthenes' Mag Indica from 300 BC. The name derives from the Indus River, which was called Sindhu by the Indo Aryans. Sindhu in Sanskrit is itself derived from Proto Indo Aryan languages, tracing its origin all the way back to people living near the Caspian Sea who migrated to India and are referred to as the Indo Aryans. The word meant river in their language. Persians pronounced S as H. And and कितनी so the accurate हमने आमिर भाई सो द वर्ड गॉट वाली बात की हम लोगों ने सर टू हिंदू नॉट द रिलीजन बट दे यूज्ड टू रेफर टू इट द रिवर एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर फ्रॉम द पर्शियन ईस्ट ऑफ द रिवर रीच द ग्रीक्स द एंशिएंट ग्रीक्स यूज्ड टू इनहेबिट नॉट जस्ट मॉडर्न डे ग्रीस बट आल्सो अनटोलिया एनाटोलिया मॉडर्न डे टर्की अलोंग विद अदर पार्ट्स ऑफ द मेडिटेरेनियन कोस्ट इन अनटोलिया एच वाज साइलेंट एंड हेंस द नेम बिकम इंडोस्ड टू देम दैट्स हाउ वी गॉट आवर

जैसे जयद है जयाबाद का सही नाम पता है क्या आपको खानगढ़ अच्छा यस yes. जैकब भी उनके थे जैकब बहुत अच्छा आदमी था अच्छा ठीक है तो तो अच्छा आदमी था तो उसको नहीं था। वो अपने घोड़े के साथ वही दफन हुआ है सोलह साल की उम्र में निकला था इंग्लैंड से लड़न से निकला ग्रेट ब्रिटेन से निकला जैकब का घोड़ो नहीं और फिर उसके तो गया नहीं उसने वहां पर इतना गर्म खत्ता वहां पर उसने नहरें बनाई उसको आबाद किया जयवाबाद मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टाउन था अफगानिस्तान की वजह से शिकारपुर से लोग जगबात आते थे यहाँ से कोयटा फिर अफगानिस्तान ये एक एक्सपीडिशन की वजह से मिलिट्री कंपेन्स की वजह से होता था वो अपने घोड़े के साथ वहीं दफन है ईस्ट लव जगबाबात तो हमें जो लोग आए थे तमाम के तमाम कहीं भी ख़राब नहीं होते देखें एक हाथ में पांच उंगलियां हैं ना वो बराबर नहीं है तो सारे हिंदू या सारे मुसलमान सारे सिख सारे अंग्रेज कैसे ख़राब हो सकते अच्छे लोग भी आए थे और बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करके गए जो अच्छा है ना बट जस्ट बिकॉज इस चीज को जब तक हम लोग में जो कुछ हुआ नहीं बट आमिर भाई हम हर चीज हर पोर्ट को मोहम्मद बिन, बिन कासिम पे जो हर चीज का नाम रख देते हैं तो गलत है ना हाँ तो ये, ये क्यों गलत है फिर वो भी आए थे नहीं उसकी वजह पता है क्या वो गलत क्यों है क्यों वो उसकी आड़ में कुछ और हो रहा है उसको ऑनर करना जस्ट बिकॉज वो पेलेज करने आया था वो गलत है नहीं ना। नहीं हुआ ये था उसकी हिस्ट्री अगर आप पढ़ें अलबलाजरी की किताब है फ़तोलब बल्दान औरिजिन ऑफ़ इस्लामिक स्टेट के नाम से फ़िलिप के हट्टी ने उसका दो वाली में तर्जुमा किया मुसलमानों की जितनी भी हमला हमले आवर और जितनी कम्पेन हुई ना उस पर सबका जिक्र है उसमें इसका भी जिक्र है कुछ लोगों ने मकरान के गवर्नर को कत्ल किया बनो मैया का गवर्नर था बनो हाशिम के लोग थे कतल वो आ गए दाहिर के पास दाहिर ने उनको रोक लिया पना दे दी ये थी वजह जो एक्सपेडिशन हुई और वो आया खुशदार और तुरबत के रस्ते से मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट से नहीं आया ईरान के रस्ते से होता हुआ आया तुरबत और खुशदा छः हज़ार का लश्कर लेकर ये तो बताते हैं कि वो आया ये नहीं बताते कि उसको बाद में नेक्स्ट कैलिफ ने प्रोसिक्यूट किया और मार दिया जेल में ये भी नहीं बताते कि जब अरब यहाँ पर आ गए थे तो बाद में अरबों के दरमियान सिविल वार हुई बिटवीन यमनाइट्स एंड हिजाजी इनमें झगड़ा हुआ उसके बाद अरबों की हुकूमत सिर्फ़ महदूद हो गई कलों तक फिर ख़त्म हो गई ये ये भी नहीं बताते कि इससे कहीं पहले मालाबार में नीचे बिल्कुल सवाइल जो बिल्कुल साउथ के जो बिल्कुल साहिल नहीं है वहाँ पर बल्क में अरब ट्रेडर्स आए असल वहाँ आए ये मनान अहमद आसिफ की किताब है द लॉस ऑफ हिंदुस्तान वो पढ़े उसमें वो बताते हैं कि बहुत पहले से आ रहे थे लेकिन हमें एक जंगजू स्टार्ट चाहिए था जी। आप ये नहीं बोल सकते ना कि बस मिलते जुलते ट्रेड करते नॉलेज एक्सचेंज में आ गए मुसलमान आपको चाहिए था एक तलवार लेकर आया और इस्लाम नाफिज करके जिहाद कल्चर आपने आम करना था आपको एक जिहादी स्टार्ट चाहिए था ये भी सच नहीं है कि वो एक जो छुप कर आए हुए थे वहां से पन्हा लेने जिंद में उनके पीछे आए थे ये लोग

सिंध पे सात हमले हुए सातवां हमला था मोहम्मद बिन कासिम का इसी तरीके से डॉक्टर ताराचंद की किताब शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि महमूद गजनवी की फौज में दो जना हिंदू थे हम लोग उसको ओन करते हैं एज अ आइडल ब्रेकर वो उसको कहते हैं कंडेम करते हैं कि ये ब्लासमरता इसने हमारी इबादत गांव को तबाह किया ये नहीं बताते बारीक बात कि भाई दीजर देवर ऑल पोलिटिकल वार्स yes. उसके अंदर दो जनरल जो थे तिलक और नाथ hmm. डॉक्टर ताराचंद मजाक नहीं है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के प्रोफेसर थे उनकी किताबें आपको मिल जाएंगी बेहतरीन किताबें लिखी क्या है है ये, ये तो आप मतलब आज जिसको खजाना मिल गया जागता है है हमारे पास उसका उसने जब बगावत की अहमद न्याल तगीन ने महमूद गजमी का गवर्नर था पंजाब का उसको खत्म करने के लिए किस को भेजा तिलक और नाथ को इसी तरीके से बाकायदा लड़ते रहे लश्कर में ये भी नहीं बताते ये लोग ये बताते नहीं तबकाते तबकते नसरी में लिखा हुआ है कि गौरी और गजनवी बदतरीन दुश्मन थे एक दोनों के दोनों दोनों एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन थे गौरीों को गजनवी घाटियों में और जो वैलीज़ होती है ना उसमें ट्रैप करके मार देते थे और वो लोग क्या करते थे उन्होंने फिर क्या किया कि किजनी को गौरीों ने तबका नासिर शाही में लिखा है सारा मट्टी में मिला दिया और गजनी को जो बर्बाद करके गए गौरी उसका दोबारा गजनी आबाद नहीं हो सका संजय भाई आज हमने ब्रिटानिका का आपके साथ रखी हुई है आ, मैं तो, तो आपके कोई सवाल है? नहीं मैं तो आप, सुनने आप ये कुछ जानना चाहते हैं। आप ये देखे ना अच्छा जी जी आप ये देखें कि हम इस चीज को क्यों नहीं बताते हमें बताना चाहिए ना मेजर था ब्रिटिश आर्मी का एच जे रेवर्टी सबसे पहली पश्तो डिक्शनरीज ने कंपाइल करी ही न्यू पश्तो पर्शियन जानता था टर्की जानता था उसने पर्शियन और टर्क जबान से दो वॉल्यूम में किताबें तबकतें नासरी इसका तर्जुमा किया है आप पढ़ें आपकी रूह कहाँ आप जाएगी कि ये तो आपको बताया ही नहीं अगर ये मुसलमानों की अपनी लिखी किताबें बता रहा हूँ आपको इसका तर्जुमा किया सिर हम अपनी रूह कॉँपते हैं अभी भूख लगना हमें शुरू हो चुकी है संजय भाई आप हमारे मेहमान हैं आपको हमने यहाँ तीन घंटे से इस कमरे में बंद रखा हुआ है

हम तो यही कर सकते हैं जी आपस में बैठ के ब, बोलते रहे मिलते रहे दोस्ती बनाते रहे तो मुझे तो लड़ने में कोई शौक है नहीं मुझे नहीं लगता आपको भी किसी को है नहीं नहीं। किसी भी समझदार आदमी को नहीं हुआ नहीं मुझे शौक बहुत है मेरी हालत नहीं है लड़ने वाली <laughs> इसलिए मैंने हथियार बुश कुछ भी नहीं है <laughs> के अपने भी फ़ायदे वो बाद में डिस्कस करते हैं ऑफलाइन थैंक यू आमिर भाई आपके साथ फिर सोलो करेंगे एंड संजय भाई आप तो आपका अपना घर है जब बाय थैंक, <laughs> थैंक यू लिस्टिंग। टेक केयर बाय बाय